वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, इसको लेकर कौन सा रेसलर कहते हुए दिखाई देता ब्रॉक लेसनर को, इस बारे में बात करने वाले हैं। एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे क्या रसलमेनिया के लिए जो प्लान्स है ट्रिपल थ्रेड बनाने के, इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर एक काफ़ी बड़ी वार्निंग दी है एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड ने, तो इस बारे में बात करेंगे। और एनएक्सटी के सुपरस्टार्स हमें बहुत सारा कॉल अप देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द, तो इसको भी लेकर एक काफी बड़ी अपडेट है। एंड क्या टामा टोंगा हमें डब्ल्यूडी के अंदर देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द, इसको भी लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो मतलब काफी कुछ अपडेट होने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहां पर हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते फिर टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते फर्स्ट ऑफ ऑल द रॉक के डॉटर को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि द रॉक के बेटी का जो हमें नाम देखने को मिल रहा था डब्ल्यूडी के अंदर, वैसे उनका रियल नेम तो सिमोन जॉनसन था, लेकिन उनका डब्ल्यूडी का नाम एवा रेन देखने को मिल रहा था, लेकिन वो नेम भी हमें चेंज होते हुए दिखाई दे चुका है। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो हमें नेम एवा रेन देखने को मिल रहा था उसमें से रेन को हटा दिया गया है। सो अब से द रॉक की बेटी का नाम सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पर एवा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ यहां पर अपडेट देखने को मिल रहा है द रॉक के डॉटर के नेम चेंज को लेकर, जो कि एवा रेन से एवा पढ़ते हुए दिखाई दे चुका है। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स ओपिनियंस कमेंट में बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है शार्लेट फ्लेयर की तरफ से। सो शार्लेट फ्लेयर का मानना है कि जो हमें रिया रिपली के साथ में उनका फ्यूड देखने को मिलेगा रसलमेनिया 39 के अंदर, और जो फ्यूड करेंटली चल रहा है तो रिया रिपली मतलब यहां पर वो उनके साथ में शार्लेट फ्लेयर का जो मैच देखने को मिलेगा वो एक मेन इवेंट टाइप का मैच बन सकता है रसलमेनिया 39 के लिए, और ये मैच मेन इवेंट के अंदर होना भी चाहिए, ऐसा कुछ यहां पर शार्लेट फ्लेयर कहते हुए दिखाई देती है, और ये मेन इवेंट क्वालिटी का मैच देखने को मिलेगा। वेल ऑब्वियसली चांसेस काफी अच्छे खासे ये मैच हमें मेन इवेंट होते हुए दिखाई दे जाए नाइट वन के अंदर, क्योंकि ये एक काफी बढ़िया मैच हमें देखने को मिल सकता है एंड हमने पास्ट में देख भी रखा है। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स कमेंट में बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के कॉलअप्स को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि रिपोर्ट्स हमें यहां पर ये देखने को मिल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के सुपरस्टार्स का हमें बहुत ही ज्यादा जल्दी कॉलअप देखने को मिलेगा, और बहुत सारे सुपरस्टार्स का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे शोज के अंदर स्मैकडाउन और रो के शोज के अंदर हमें बैक स्टेज में कुछ एनएक्सटी के सुपरस्टार्स देखने को मिले हैं, और आने वाले दिनों हमें बहुत सारे एनएक्सटी के सुपरस्टार्स का कॉल अप देखने को मिलेगा डब्ल्यूडी के अंदर, और ये थिंग हमें रसलमेनिया के बाद देखने को मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। लेट्स सी हमें कौन-कौन से सुपरस्टार फिन देखने को मिलते हैं डब्ल्यूडी एनएक्सटी से मेन रोस्टर के अंदर रॉ और स्मैकडाउन में। वेल देखते हैं कौन सा वो सुपरस्टार होता है। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है टामा टोंगा को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के एक सुपरस्टार टामा टोंगा, जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनजेपीडब्ल्यू के साथ में खत्म होने वाला है, तो इनको लेकर अपडेट हमें यहां पर यह देखने को मिली है कि टामा टोंगा अपने रिसेंट के इंटरव्यू के अंदर कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है वो भी डब्ल्यूडी को साइन करने के लिए, क्योंकि टामा टोंगा ने मतलब उन्होंने कहा है कि डब्ल्यूडी उनको ट्राई कर रही है साइन करने के लिए, और डब्ल्यूडी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है टामा टोंगा के अंदर, तो ऐसे में वो कभी भी डब्ल्यूडी का ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो हमें डब्ल्यूडी के अंदर अपना सरप्राइज रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, वैसे रिटर्न नहीं डेब्यू होगा, वो अपना सरप्राइज डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहां पर टामा टोंगा का कहना था, यानी कि एनएक्सटी के कॉल अप्स तो देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार्स भी देखने को मिले, जिनमें टामा टोंगा, जे वाइट ऐसे भी नाम देखने को मिल रहा है। तो भाई लेट्स सी फ्यूचर में क्या कुछ देखने को मिलता है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो भाई ये काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। वेल इसके ऊपर आपके थॉट्स कमेंट में बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि ब्रॉक लेसनर को लेकर कॉनन जो कि अपने रिसेंट के पॉडकास्ट के अंदर बात करते हुए दिखाई देते हैं कि जो द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर है उनकी नजरों में
टॉप 5 WWE सुपरस्टार्स की लिस्ट के अंदर है, जो कि ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम है, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सुपरस्टार्स की लिस्ट में टॉप 5 में ब्रॉक लेसनर उनके दिमाग में बैठते हैं। तो ऐसा कुछ यहां पर कॉनन का कहना था, और वो एक्चुअली में टॉप 5 है भी, क्योंकि सभी को ये चीज माननी भी पड़ेगी और माननी भी चाहिए ब्रॉक लेसनर को लेकर। वो ब्रॉक लेसनर एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि टॉप 5 के ग्रेटेस्ट लिस्ट में नंबर 1 पे बैठ सकते हैं, और वो टॉप 5 के लिस्ट में है भी। तो ऐसा कुछ यहां पर कॉनन कहते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ऑब्वियसली भाई ब्रॉक लेसनर को तो हम सभी लोग मानते हैं, और हम लोग तो कहेंगे डेफिनेटली भाई ब्रॉक लेसनर टॉप 5 की लिस्ट में आना बनते हैं। तो इसके ऊपर आपके थॉट्स कमेंट में बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, और ये है जो कि एक ऐसे लेजेंड की तरफ से जिसने मना किया है कि हमें ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि रूमर उठ रहे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस सैमी जेन एट रेसलमेनिया 39 हो जाना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटीज भी है। फैंस की तरफ से सैमी जेन को रिएक्शन भी मिलेगा, लेकिन WWE पहले भी क्लियर करते हुए दिखाई दे चुकी है कि इनका ट्रिपल थ्रेट हमें शायद ही देखने को मिले। लेकिन रिक फ्लेयर यहां पर अपने रिसेंट के पॉडकास्ट के अंदर कहते हुए दिखाई देते हैं कि WWE को यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिलहाल जो मैच कंफर्म है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, यही मैच रेसलमेनिया 39 के अंदर देखने को मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर वो मैच कैंसिल कर दिया गया और उसकी जगह हमें कोई ट्रिपल थ्रेट टाइप का मैच देखने को मिला, रोमन वर्सेस सैमी वर्सेस कोडी, तो ये मैच काफी बड़ा मे बी बेकार साबित होते हुए दिखाई दे सकता है, ऐसा रिक फ्लेयर कहते हुए दिखाई देते हैं। बढ़िया भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है, लेकिन जो रोमन वर्सेस कोडी है ये अगर सिंगल मैच देखने को मिला तो ये एक वर्ल्ड क्लास टाइप का मैच देखने को मिलेगा। वेल, ये सारी चीजें हमें यहां पर रिक फ्लेयर की तरफ से देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर भी आपके थॉट्स भाई कमेंट में जरूर बता देना। वेल, मैं नहीं चाहूंगा कि भाई ये ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले, रोमन वर्सेस कोडी ये भी सही है, या फिर ट्रिपल थ्रेट दिखा रहे तो भाई रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस कोडी दिखाओ, तब ना मजा आएगा। वेल, आपका क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है, कमेंट बता देना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।